Cricket 2020 in association with Players Spot, India's new gaming destination. बात जब IPL की होती है तो फेवरेट टीम के लिस्ट में मुंबई इंडियंस और CSK का नाम ही सबसे ज्यादा लिया जाता है। इस बार के IPL सीजन की शुरुआत से पहले सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है चेन्नई सुपर किंग्स। टीम मेंबर्स का कोरोना पॉजिटिव आना हो या फिर सुरेश रैना और हरभजन सिंह का टीम से हटना, इन सारी चीजों को लेकर टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन अब टीम के लिए एक खुशखबरी आई है। टीम के स्टार गेंदबाज दीपक चाहर की तीसरी COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि अब दीपक चाहर ओपनिंग मैच में शामिल हो सकेंगे। दीपक चाहर ने बुधवार को टीम के साथ प्रैक्टिस की शुरुआत भी की है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। CSK की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चाहर की मैदान पर प्रैक्टिस की वापसी की तस्वीर को शेयर भी किया गया है। दरअसल दुबई पहुंचते ही CSK को बड़ा झटका लगा था। टीम के दो खिलाड़ी समेत 13 मेंबर कोरोना पॉजिटिव निकले थे और टीम का क्वारंटीन पीरियड भी इसी कारण 4 सितंबर तक बढ़ाया गया था। हालांकि दो COVID-19 टेस्ट के बाद तीसरी रिपोर्ट आने के बाद सभी खिलाड़ी अब नेगेटिव हैं और 5 सितंबर से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत भी कर दी है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें तब और बढ़ी थी जब पहले सुरेश रैना और फिर हरभजन सिंह ने 13वें सीजन में हिस्सा लेने से इनकार किया था। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने हरभजन सिंह और सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट की डिमांड नहीं की है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरेश रैना शायद टीम के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के सफर का आगाज 19 सितंबर को मौजूदा ओपनिंग मुंबई इंडियंस के खिलाफ टक्कर से होगा। CSK 3 बार की चैंपियन है तो पिछली बार इस टीम ने फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी। न्यूज तक ब्यूरो। दिस वीडियो ऑफ क्रिकेट 2020 वॉज ब्रॉट टू यू बाय प्लेयर्स स्पॉट।